Hello there everyone. Welcome to another biology class of Biology Central. This is Vijay Punia and I'm going to teach you the fourth part of a video, a complete playlist. You can check other videos on the right hand upper corner, the I button. तो आप लोग उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और इससे पीछे की जितने भी इंफॉर्मेशन है आप वहां से, आई होप कुछ लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिए. तो हम स्टूडेंट्स शुरू कर रहे हैं द सेल साइकिल कंट्रोल एंड द चेक पॉइंट्स. नाउ लेट मी फर्स्ट एक डायग्राम की हेल्प से आई एम गोना जस्ट शो यू कि सबसे पहले जी वन फेज आता है, उसके बाद एक एस फेज आता है, एस फेज के बाद जी टू फेज आता है और जी टू फेज के बाद में शुरू होता है क्या, एम फेज. और उस एम फेज के चार अलग अलग फेजेस होते हैं जिन्हें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड सी वाई इज फॉर साइटोकाइनेसिस. क्लियर? सो नाउ दिस जी वन का मतलब है ग्रोथ वन और एस का मतलब है सिंथेसिस, जी टू का मतलब है ग्रोथ सेकेंड और एम जिसमें सारी डिवीजन हो रही है. अब ये जो जी वन फेज है ये कभी कभार जी नॉट फेज में चला जाता है जब सेल्स जो है उनकी अमाउंट नीडेड बहुत कम होती है, जितनी अमाउंट चाहिए वो उससे कम रहेंगे. नाउ all of cells are controlled. Now in human body the cells are controlled. तो एक checkpoint आपका G phase के G1 phase से S phase के बीच में आता है. This is checkpoint one. दूसरा checkpoint जो है S phase से और कुछ part G2 का भी cover कर लेता है तो उसे बोलते हैं checkpoint second. और तीसरा चेक पॉइंट जो आपके डिवीजन फेज में आएगा तो वो यहां से शुरू होके और मेटाफेज के मेटाफेज तक जाता है. तो पॉसिबिलिटी है कि सेल जो है वो चेक पॉइंट वन टू या चेक पॉइंट थ्री इन तीनों में से कहीं भी फंस जाए या वो वहां से क्लियर हो जाए. देखिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स इन चेक पॉइंट्स के को सेल को इन चेक पॉइंट्स पे रोकने के लिए या इन चेक पॉइंट्स को क्लियर करके सेल को आगे सेंड होने के लिए सिग्नल दे सकते हैं. क्लियर? तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन से ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं रोकने के लिए और कौन सी ऐसी जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है रोकने के लिए, ऑल्सो नोन एज इनहिबिटरी जीन्स, और कौन सी ऐसी जीन है जो प्रोलिफरेट करते हैं यानी सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप ऑफ जीन्स. इन जीन्स में आता है एक प्रोलिफरेटरी जीन्स और दूसरे आते हैं इसमें इनहिबिटरी जीन्स. प्रोलिफरेटरी जीन्स कौन से होते हैं? देखिए आपकी बॉडी में आप नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता और ना ही होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहे. अनलिमिटेड ग्रोथ मींस दिस होल अर्थ विल बी कवर्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. सो ये चीज अलाउ नहीं हो सकती, दैट विल बी अ डिग्रेडिंग फोर्स डीनेचर कंडीशन. सो प्रोलिफरेटरी जीन्स आर नोन एज oncogenes and these oncogenes are also responsible for cancer. तो जब ये जीन कैंसर के लिए responsible हो जाती हैं, when the genes are responsible for cancer, we call them oncogenes. But until and unless they are working normal, they are called as proto-oncogenes. Proto-oncogenes or pro-oncogenes. Second we have is inhibitory genes and these inhibitory genes are P53, APC and third we have is
बैका वन एंड टू. दिस ऑन्कोजेन्स आर टू. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टू ऑन्कोजेन्स. वैसे बहुत सारी होती हैं, जे यू एन. सो वी आर टेकिंग टू एग्जाम्पल्स आर ए एस एंड वी आर टेकिंग एम वाई सी. देखिए, जब भी सेल को साइकिल करनी होती है, व्हेन अ सेल इज अबाउट टू डू अ डिवीजन, अबाउट टू कंप्लीट इंटरफेस, और जब भी उसे नए सेल प्रोड्यूस करने होते हैं, तो इन जीन्स को एक्टिवेट करने की और इन जीन्स को डीएक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसके साथ एक और जीन मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज आर बी. ठीक, हम अभी जो पढ़ने वाले हैं उसमें से P53 आएगा, आरबी आएगा और बैका आएगा. ठीक है, तो देखिए, प्रोटोन को जीन्स में रास और एमवाईसी आया, इन जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ को लिमिटेड रखने के लिए हमेशा जो इनहिबिटरी जीन्स हैं वो इनहिबिटरी जीन्स एक्टिव रहती हैं ऑलवेज. क्लियर है? एंड दीज ऑलवेज एक्टिव जीन्स मेक योर सेल साइकिल इन कंट्रोल, सो दैट नो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैन टेक प्लेस. और अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, इन दैट केस दैट विल बी डेवलपिंग इन टू अ ट्यूमर. अगर ये इनहिबिटरी जीन्स रुक जाएं, ये अपना काम परफॉर्म ना करें, या इन प्रोलिफरेटरी जीन्स को रेगुलेट ना किया जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? दिस विल हैपन, एवरी वन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विल हैव अ ट्यूमर. क्लियर? सो दैट विल बी कैंसरस. अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और शुरू करते हैं सेल साइकिल के कंट्रोल्स को. तो जीन, ये जो मैंने बताई आपको, ये किस तरह से हेल्प करती हैं? देखिए, जो भी आपकी जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं माइटोजेन्स. फॉर एग्जाम्पल, योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज सीक्रेटिंग द ग्रोथ हार्मोन दैट एक्ट्स एज अ माइटोजेन. दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स. Now these growth factors have four pathways. These four pathways continuously affect the cell. Clear? See, this first pathway is GF, and this will produce two things. When the growth factor comes into play, this रिसेप्टर विल प्रोड्यूस टू थिंग्स इन साइड द सेल. एक होगा डी ए जी. द फुल फॉर्म फॉर दिस इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल. डाइएसाइल ग्लिसरॉल. एंड सेकेंड विल बी आई पी थ्री. ठीक है, अब ये जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, ये फर्दर प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन काइनेज सी को. दिस विल प्रोड्यूस प्रोटीन काइनेज सी. एंड IP3 क्या करेगा? ये कैल्शियम का जो आपका सेल रिजर्वोयर होता है, जो कैल्शियम का सेल रिजर्वोयर होता है, उसमें से एक कैल्शियम को कैल्शियम के आयंस को अवेलेबल करवाएगा. इट विल बी मेकिंग द कैल्शियम आयंस अवेलेबल फॉर अ प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन विच इज नोन एज कैल मोडुलिन, एंड दिस विल फॉर्म अ कैल मोडुलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर सेल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, मिलकर दोनों सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं. अब एक पाथवे हुआ हमारे पास, इसके हेल्प से पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए. दूसरा है
व्हेन द सेकेंड माइटोजन कम और दूसरा रिसेप्टर एक्टिव होता है, ये चेंज करेगा एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट को साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हेल्प करती है फॉस्फोराइलेशन में। Which indirectly means the activation of transcription factor and the cAMP इसका byproduct होता है protein kinase A। यहां पर बन रहा था protein kinase C, इधर बनेगा protein kinase A। और इसी तरह से जब बाकी सारे के सारे pathways, now these two are important, बाकी जो दोनों हैं ये भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये भी और ये चौथा पाथवे, ये सारे के सारे पाथवे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं इन द सेल, एंड दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विल नाउ टेक ओवर द कंट्रोल। अब तक कंट्रोल्स था माइटोजन्स के हाथ में, फिर कंट्रोल्स आया रिसेप्टर्स के हाथ में, और अब फाइनली जब चारों पाथवे ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बना लिया है, दे हैव मेड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देन एक्टिवेटेड इट, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल टेक ओवर एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी हाउ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल टेक ओवर एवरीथिंग, और हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रोसेस जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करता है दो तरीके की जीन्स को। ठीक है, ये दोनों तरीके की जीन्स कौन कौन सी हैं? वही जीन्स मैंने आपको बताया था, बोथ जीन्स आर रास जीन्स एंड एम वाई सी। इसको देगा ये पॉजिटिव फीडबैक, इसको भी देगा ये पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव का मतलब है एक्टिवेशन। तो जैसे ही ये जीन एक्टिव होती है, ये प्रोड्यूस करती है साइक्लिंस, और साइक्लिन भी कौन से, डी ई ए एंड बी, डी ई ए बी। लेट मी मेक इट क्लियर। तो ये चार साइक्लिंस प्रोड्यूस हो गए, और इन चारों साइक्लिंस का एक पर्टिकुलर शेप होता है। ठीक है, सपोज ये साइक्लिन का शेप है, दूसरी एक्टिवेशन जो दूसरी जीन है वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी सीडीके। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इन्हें क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का भी एक पर्टिकुलर शेप होता है, और ये शेप मैच करता है एग्जैक्टली विद साइक्लिन। नाउ दिस कैन मूव हियर, और जैसे ही ये मूव होगा ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज नाउ विच सीडीकेज आर प्रोड्यूस। ओके, सीडीके 1, सीडीके 2, सीडीके 4 एंड सीडीके 6। These four CDKs are produced, these four cyclins are produced. अब ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स। Now this complex, अब इसको एक बार यहीं स्टॉप कर लेते हैं हम, ये जो प्रोसेस चल रहा है, लेट स्टॉप दिस प्रोसेस हियर ओनली। तो मान लीजिए हमारे पास एक CDK बनके तैयार है, एंड इट इज नाउ रेडी फॉर रेगुलेशन। दिस जीन, what I was telling you is RB gene, and this RB gene full form is retinoblastoma. This retinoblastoma gene is a specialized gene which is responsible for binding a protein Now this is responsible for binding, or this is retinoblastoma protein, and this is E2F. Now this E2F is responsible for a cell to leave the G1
एंड एंटर इंटू एस फेज और लीव द एस फोर एंड एंटर इंटू जी टू और फर्दर मोर। तो ये जो ई टू एफ है ये रिस्पॉन्सिबल है जी वन को एस से एस में या एस को जी टू में या जी टू को एम फेज में सेंड करने के लिए। अब अगर आरबी प्रोटीन ने इस ई टू एफ को अपने साथ बाइंड करके रखा हुआ है तो क्या वो इसे काम करने देगा? नहीं। नाउ दिस इज द गवर्निंग बॉडी। अब तक जो है ये इस थाने का इंस्पेक्टर है कि रेटिनोब्लास्टोमा ने क्या किया, इसे पकड़ के रखा हुआ है जो इस सेल को जीवन छोड़ के आगे भागने नहीं दे रहा। क्लियर? ठीक है, करता क्या है? अब आती है सीडीके की बारी। सीडीके इसको फोस्फोराइलेट करेगा, मतलब इसके साथ बहुत सारे फोस्फेट्स जो है वो ऐड कर देगा। जैसे ही इसके साथ इतने सारे फोस्फेट ऐड हुए, इस रेटिनोब्लास्टोमा का स्ट्रक्चर हो जाएगा चेंज एंड द स्ट्रक्चर विल नाउ बी लाइक दिस। अब ये इस E2F को बाइंड नहीं कर सकता। अब अगर E2F बाइंड नहीं हो सकता देन सेल साइकिल विल मूव फॉरवर्ड। सेल साइकिल मूव करना स्टार्ट कर देगी। ओके, बट ये सीडीके तो कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। अब अगर कंटिन्यूअसली सीडीके बन रहे हैं और आर जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये कंटिन्यूअसली डीएक्टिवेट हो रहा है तो E2F तो सेल को इतना ज्यादा प्रोलिफरेट कर देगा, इतनी ज्यादा ग्रोथ दे देगा कि सेल फिर से कैंसरस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है द जीन इज ATM। ये ATM क्या करता है? नहीं, पैसे थोड़ी निकालता है। दिस ATM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द मिस्टेक। सपोज दिस ATM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द मिस्टेक इन द DNA। सपोज ये जो पेयर है यहां पर ये मिसमैच हो गया, यानी DNA के अंदर म्यूटेशन आ गई। जैसे ही डीएनए के अंदर म्यूटेशन आई, इस एटीएम ने उस डीएनए को रीड करते हुए उस म्यूटेशन को कैच कर लिया और इस एटीएम ने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया फॉर द जीन नेम्ड P53। नाउ जैसे ही P53 पहुंचता है वैसे ही दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये P53 एक और जीन प्रेजेंट होती है। कितनी सारी जीन है और कितने ही सारे प्रोटीन है, सेल साइकिल को 5 मिनट में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि कुछ जो लोग अब तक यहां पहुंचे हैं दे एक्चुअली वॉन्ट टू स्टडी और जो नहीं पहुंचे हैं दे वर जस्ट टेकिंग मजे। ठीक है, तो ये जो P53 है, ये P53 दो काम करता है। या तो जो एंजाइम इस डीएनए को ठीक करने में लगे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम बाय करेगा बाय स्टॉपिंग द सीडीके। ठीक है, ये P53 एक एंजाइम बनाता है जो इसे स्टॉप करके रखेगा फ्रॉम दिस प्रोसेस। यानी अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है इसको कैप्चर करके रखेगा और ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। या जो P53 है वो एक्टिवेट करेगा इसे एंड दिस इज द फाइनल जीन फॉर लाइफ ऑफ अ सेल। ये वो आखिरी जीन होगी जिसने जिसको किसी सेल ने एक्टिवेट किया होगा एंड दिस इज BECA 1 2। दिस टू जीन्स आर प्रेजेंट और ये BECA 1 2 प्रोड्यूस करते हैं BECS। ये प्रोड्यूस करते हैं BECS। दीज BECS प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द लाइसोजोम और ये लाइसोजोम सेल के अंदर बर्स्ट हो जाएगा
दैट इज सेल डेथ. नाउ दिस वॉज द जीन फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस एंड दिस इज द जीन टू एंड द प्रोसेस. ये सेल आगे नहीं जा सकता या जा सकता है. अब अगर टाइम रहते इसकी जो म्यूटेशन थी वो ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुई तो सेल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा. ये था आपके पास एक जनरल आउटकम के किस तरह से जो है साइक्लिन सीडी के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोलिफरेटिंग जीन्स और इनहिबिटरी जीन्स काम करते हैं, हाउ दे वर्क. एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू द फाइनल, एंड दिस फाइनल विल बी हाउ द सीडीके, सॉरी विच सीडीके आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग विच फेज. तो देखिए G1 से S से G2 और इससे M, M के अंदर होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड यू हैव फाइनली साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो बिल्कुल पहला जो यहां चेक पॉइंट प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है और एक यहां प्रेजेंट है, ये तीन चेक पॉइंट्स CH1, CH2 एंड दिस इज CH3. इन तीनों चेक पॉइंट्स को कवर करने के लिए यहां G1 के साथ साथ एक्टिव होता है साइक्लिन डी और इसके साथ होता है CDK4 एंड 6. दूसरा जो है यहां से लेके जो इस सिंथेसिस फेज को कंप्लीट करेगा और G2 फेज में पहुंचा देगा वो होते हैं साइक्लिन ई एंड CDK2. क्लियर है? साइक्लिन 1 एंड CDK2. तीसरा इसमें आएगा जो सेल को यहां से लेके और यहां तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस विल बी साइक्लिन बी एंड साइक्लिन ए एंड CDK2. और जो लास्ट में बिल्कुल एंड में आएगा दैट इज साइक्लिन डी एंड CDK1. तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो कॉम्बिनेशन आपके सेल के E2F फैक्टर्स को रिलीज करवाते हैं, चाहे यहां पे या यहां पे, यहां पे और यहां पे. अब यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स हैं कि G1 फेज के अंदर अगर सारी चीजें कंप्लीट हुई, सेंट्रियोल्स बने, आपका DNA जो है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आराम से डबल हो पा रहे हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से बन चुकी है, तो ये चीज जो है S फेज में चली जाएगी, और वो भी तब जब इसको सिग्नल मिलेगा दैट G0 फेज मस्ट बी एंडेड. G0 फेज को खत्म कर देना चाहिए. अब इसके बाद जो S फेज है उसमें लास्ट में जो ये G2 फेज में इसको भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होंगे साइक्लिन ए और CDK2. ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर कोई भी जो किसी भी तरह का आपके पास किसी भी तरह का DNA मिसमैच नहीं है, DNA के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है, DNA की रेप्लिकेशन बहुत अच्छी हुई है और सारी चीजें सही चल रही हैं, ठीक है. अब आएगा साइक्लिन ए और CDK2 जो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए हेल्प करेगा, और ये साइक्लिन डी और CDK1 जो है वो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, कैसे?
अब एस फेज की सारी चीजें जैसे ही कंप्लीट हुई, साइक्लिन ए और सी डी के टू एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि इस सेल को एम फेज में सेंड अप किया जा सके। क्लियर है? तो साइक्लिन टू को एंड फेज में, एंड में जैसे ही कवर करेंगे हम, जी टू फेज में जितनी भी चीज होने वाली है, अगर आपको नहीं पता कि जी टू फेज में क्या क्या होने वाला है, आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, या आप इस अभी आपने सेल साइकिल शुरू किया है और सबसे पहली वीडियो आपको यही मिल गई, तो जस्ट गो ऑन टू द आई बटन और जिसमें जाकर आप पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, या इस वीडियो के साथ बने रहें और आपको एंड स्क्रीन पे इसकी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी। सो ये साइक्लिन ए या सी डी के टू जो है ये चेक पॉइंट्स को कवर करेगा जी टू फेज के, और जैसे ही सेल जो है वो मेटाफेज में पहुंच जाता है, यहां पर एक और कंडीशन बनती है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाफेज अरेस्ट। मेटाफेज अरेस्ट कैसे होता है? जब एक डीएनए जिसके ऊपर दो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट हैं, एक सॉरी क्रोमोसोम जिसके ऊपर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है और ये अटैच्ड है दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से, तो देखिए यहां पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है सेपरेज, और इस सेपरेज को बाइंड करके रखता है एक ऐसा प्रोटीन जिसका नाम है सेपरेटिन। ठीक है, इसका नाम है सेपरेटिन। यहां इन दोनों को आपस में इस तरह से बाइंड करके रखने के लिए और इस सेंट्रल सेंट्रोमियर को भी बाइंड कर रखने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एंजाइम, और सॉरी इट इज कोहेसिन। मे बी इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि जी टू फेज में क्या क्या होता है, तो कोहेसिन प्रोटीन जो बन रहा था उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जी टू फेज में कोहेसिन बनता है। अब अगर सारी चीजें सही हैं, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत अच्छे से स्टैक्ड हैं और एक डीएनए जो है सॉरी सेल जो है वो रेडी है अगली अपनी डिवीजन करने के लिए, एनाफेज में एंटर करने के लिए, तो एक सेल एपीसी, दिस इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस सेपरेटिन प्रोटीन को खा जाएगा यानी खत्म कर देगा। जैसे ही सेपरेटिन प्रोटीन खत्म होता है, सेपरेज प्रोटीन फ्री हो जाएगा एंड दिस सेपरेज प्रोटीन विल कोहेसिन प्रोटीन, ये इसको नेगेटिव फीडबैक दे देगा, ये इसको नेगेटिव फीडबैक देता है। जैसे ही कोहेसिन प्रोटीन रिलीज हो जाएगा, ये यहां से इनका बॉइंडिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा और जो क्रोमोसोम है एक इधर और एक इधर मूव करना शुरू कर देंगे, एंड एज सून एज द मूवमेंट स्टार्ट्स द सेल इज एंटर्ड इन एनाफेज एंड दैट इज नाउ इट इज द फेट ऑफ द सेल इज टू कंप्लीट द सेल साइकिल एंड डिवाइड इंटू टू डॉटर फेज डॉटर सेल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज बहुत लंबा लेक्चर था आई नो, बट अगर आप इसने आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है तो आपके नीट के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन, एंड दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो, जस्ट आई वांट टू टेल यू टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू लाइक द वीडियो टू सी द वीडियो एंड कमेंट देयर ऑन टॉपिक ऑफ चॉइस अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज पे वीडियो बनाऊं, और सब्सक्राइब करना है तो करिए अगर आपको पसंद आया तो आप कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर वीडियोस ऐसी चाहते हैं, वरना तो थैंक यू एवरीवन।